वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो ऑन माइंड स्ट्राइक, एक ऐसा शो जिसका कोई नाम नहीं है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी और मेरी दोनों की एकदम फेवरेट मूवी के बारे में, तुम्बाड़ के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा तुम्बाड़ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि बिल्कुल अननोन है। अगर आप तुम्बाड़ के बहुत बड़े फैन हो तो हो सकता है इनमें से कुछ फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता हो। जैसे कि इस मूवी में जो भी रेन दिखाई गई है, रेन या बारिश के जो भी सीन हुए हैं, वो एक्चुअल रेन में शूट किए गए हैं। और इसके लिए पूरे फिल्म के क्रू को 4 मानसून तक वेट करना पड़ा। मतलब पूरे 4 मानसून में बारिश के पूरे सीन्स को शूट किया गया, क्योंकि भैया बारिश किसी के हाथ में तो होती नहीं है कि स्विच ऑन किया और पानी गिरने लगा। उसके लिए इंतजार करना पड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है, खासकर एक मूवी बनाते टाइम। जब आसपास का एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में ना हो तब ये चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। लेकिन ये इम्पॉसिबल काम करके दिखाया तुम्बाड़ की टीम ने और उसका आउटपुट हम लोगों के सामने है। मतलब ये एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसे देखकर एकदम माहौल सेट हो जाता है। लेकिन हो सकता है आपको ये बात पहले से मालूम हो, लेकिन शायद आपको जो चीज नहीं मालूम होगी वो ये है कि ये मूवी टोटल 3 पार्ट में बनने वाली थी। मतलब यहाँ पर बेसिकली इस मूवी की 3 अलग-अलग एंडिंग्स होने वाली थी। मतलब सोचो अगर इस फिल्म के 3 पार्ट आते तो देखने में और भी कितना ज्यादा मजा आता। बट जब पहली फिल्म बनकर फाइनल हुई तो वो इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि बाकी के दोनों पार्ट्स, मतलब बाकी के 2 अलग-अलग एंडिंग को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि सुनने में आया है कि तुम्बाड़ का 2nd पार्ट भी आने वाला है, लेकिन उसमें कोई अलग एंडिंग नहीं होगी। उसमें तुम्बाड़ के पहले पार्ट की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद समझ, जिन्होंने की विनायक के बेटे का रोल प्ले किया था, उन्होंने इस मूवी में एक नहीं बल्कि 2 रोल प्ले किए थे। आपको वो दादी का सीन तो याद ही होगा जो बहुत ही ज्यादा एपिक और एकदम यूनिक था। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो दादी का रोल भी विनायक के बेटे मतलब मोहम्मद समद ने ही प्ले किया था। और इतना तगड़ा मेकअप किया गया था दादी का कि भैया कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। इस फिल्म की कहानी को लिखा था अनिल बर्वे ने, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया था। और ये मूवी 1997 में लिखी गई थी और राही अनिल बर्वे ने पूरे 18 साल स्ट्रगल किया। बहुत से प्रोड्यूसर्स को इस कहानी को सुनाया कि भाई इस पर मूवी बनाओ, लेकिन वो कहानी कई बार रिजेक्ट हुई। लेकिन फिर फाइनली सोहम शाह ने इस मूवी को बनाने का फैसला किया। इस मूवी की पूरी शूटिंग की गई थी तुम्बाड़ नाम के गांव में, जो एक्चुअली में महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता है। और इस गांव की ही लोकेशन को इसीलिए चूज किया गया क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक बहुत पुराना किला है जिसके बारे में ऐसी कहानी मानी जाती है वहां के लोकल्स के द्वारा कि वहां पर एक खजाना छिपा हुआ है। तो मूवी को एक रियल लुक देने के लिए ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन किया गया। तो ये फिल्म 2015 में बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन इसको 2018 में मतलब 3 साल बाद रिलीज किया गया, क्योंकि 3 साल लग गए थे इस मूवी को फाइनल टच देने में और इसके VFX पर तगड़ा काम करने में। और अगर आपको नहीं पता होगी तो 2008 में ही इस मूवी के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिलेक्ट किया गया था मेन रोल के लिए, वो रोल जो कि सोहम शाह ने प्ले किया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से नवाजुद्दीन इस रोल को नहीं कर पाए। इस फिल्म का म्यूजिक इसे बहुत ही ज्यादा खास बनाता है, एक इंटरनेशनल लुक देता है। और वो इसलिए क्योंकि भैया इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर इंटरनेशनल थे। डेनमार्क के जेस्पर काइट ने इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था, जो कि असैसिन क्रीड और हिटमैन जैसे पॉपुलर गेम्स के बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन कर चुके हैं। इस मूवी को एक पीरियोडिक लुक देने के लिए लाइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में मोस्टली लाइटिंग लालटेन के थ्रू दी गई थी ताकि फिल्म में जो लुक है वो एकदम रियल आए। और चूंकि इस फिल्म को बनाने में कुल 6 साल लग गए थे, तो सोहम शाह ने अपने वजन को 6 साल तक एग्जैक्ट सेम मेंटेन करके रखा ताकि मूवी में उनका लुक कहीं पर भी बदला हुआ नजर ना आए। इस फिल्म का टाइटल लिया गया था श्रीपद नारायण पांडसे के एक मराठी नॉवल से, इसका नाम था तुम्बाड़ चे खोट। बहुत से लोग ऐसा मानना है कि तुम्बाड़ मूवी की जो स्टोरी है वो रियल कहानी पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फिक्शनल मूवी है। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद तुम्बाड़ गांव बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। अच्छा, आपने मूवी में ऑब्जर्व किया होगा कि विनायक की जो ग्रैंड माँ थी उसके मुंह में 2 लोहे के रॉड घुसे हुए रहते थे, और इसके बारे में मूवी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दादी का मुंह बहुत ज्यादा ना खुल सके, वो उतना ही मुंह खोल सके जितने में वो थोड़ा सा खाना खा सके जितना उसे दिया गया है, क्योंकि वो अमर हो चुकी थी। जब तक वो सोती नहीं थी उसे भूख लगती रहती थी, और अगर उसका मुंह खुला छोड़ दिया जाता या दादी को खुला छोड़ देते तो वो इंसानों को भी खा सकती थी। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप सभी ने तुम्बाड़ मूवी देख रखी है, लेकिन अगर नहीं देखिए तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस मूवी को जरूर देखना। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आप किस मूवी से रिलेटेड देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले माइंड ब्लोइंग वीडियो में।